आपका खुद जो टीवी चैनल है वह जो है किसी भी टेलीविजन के चैनल से कमजोर आपका चैनल आज नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। 2020 विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए कैसी तैयारी कर रही है। एक तरफ जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आज डिजिटल संवाद के दौरान लोगों को ये बता रहे थे कि बिहार में जो पहले का राज था उसे याद कीजिए, और जहां तक बात रही कांग्रेस की जिसने देश को आपातकाल दिया उसकी गोद में जाकर आरजेडी बैठ चुकी है। उसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी हमसे बातचीत की है, तो सुनिए जरा सुशील कुमार मोदी जो कि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं और संजय जायसवाल जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कहा है उन्होंने। आने पर उसका विचार करेंगे, लेकिन मित्रों ये जैसे मैंने अभी उल्लेख किया कि जो जेपी आंदोलन था उसकी प्रगति इमरजेंसी में हुई और बिहार के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है आपातकाल के खिलाफ और इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ लड़ने की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो मुझे दुख है इस बात का कि जो लालू प्रसाद यादव इमरजेंसी में जेल गए, जेपी आंदोलन में जो शरीक हुए और पूरा आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ वो पूरा संघर्ष था। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था गैर कांग्रेसवाद और कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, और जो लोग अपने आप को जेपी और लोहिया का अनुयायी कहते हैं आज लोग कांग्रेस के गोद में जाकर बैठ गए। और देखिए देश कभी कांग्रेस को माफ़ नहीं करेगा। जिस तरह से लाखों लोगों पर अत्याचार किया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई, बड़े बड़े नेताओं को जेलों के अंदर बंद कर दिया गया, वो एक ऐसा काला अध्याय है कि 45 साल के बाद भी बिहार के लोग और देश के लोग उस काले अध्याय को भूल नहीं सकते। और इसलिए जो लोग कांग्रेस की गोद में जाकर बैठे हैं आगामी विधानसभा चुनाव जब भी होगा तो बिहार की जनता ने पहले भी उनको सबक सिखाया है और इस बार और करारी चपत लगाने का काम बिहार की जनता उनको करेगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नई परंपराएं, नए टेक्नोलॉजी को मानते रही हैं। आपका खुद जो टीवी चैनल है वह जो है किसी भी टेलीविजन के चैनल से कमज़ोर आपका चैनल आज नहीं है। तो जनता आप ही को देख करके हम लोग भी जान रहे हैं कि जनता में पूर्ण रूप से इन माध्यमों को, डिजिटल माध्यमों को स्वीकार कर लिया है। और इसीलिए हम डिजिटल माध्यम से कोरोना काल में जब ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठी होनी चाहिए उसी के माध्यम का प्रयोग करके आज कार्य कर रहे हैं। महागठबंधन में सब कुछ कन्फ्यूज था दिख रहा है, कांग्रेस में अंत समय में कैंडिडेट बदल जाता है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की उनकी बातें होती हैं, तो कैसे लड़ पाएगी एनडीए? महागठबंधन का एक ही लक्ष्य है येन केन प्रकार सत्ता प्राप्त करना और उनके खिलाफ जितने भी घोटाले चल रहे हैं उनको कमज़ोर करना। इसके अलावा उनका कोई लक्ष्य है ही नहीं। जितने भी घोटालेबाज होंगे सब एक छत के नीचे मजबूरी में आ जाएंगे। लेकिन एनडीए को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ता। एनडीए विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और राजद भी कह चुकी है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने स्वयं कहा है कि वह 1990 से 2005 के जो बिहार उन्होंने रखा था पुनः बिहार को वैसा ही बिहार बनाना चाहते हैं। तो अब जनता तय करेगी कि 1990 से 2005 का बिहार चाहिए या उसे आज का बिहार चाहिए। तो आपने दोनों की बातों को सुन लिया है किस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ से जहां डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि लाइव सिटीज़ भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहा है लोगों तक अपने संदेश पहुँचाने में, तो ज़रूर लाइव सिटीज़ आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार के लोगों की आवाज़ को उठाकर जनता के सामने रखेगा। और वहीं बीजेपी भी अब डिजिटल तकनीक का उपयोग करके जनता के बीच जाने की कोशिश कर रही है, अपने संदेश को पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।